हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि ए एंड द यानी आर्टिकल्स को यूज करते हुए फिल करिए ब्लैंक। तो हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं। तो आपको मालूम है कि कॉन्सोनेंट्स के आगे ए लगाते हैं और वॉल्स के आगे एंड लगाते हैं। सो आपने कह दिया अ टेबल एंड आइसक्रीम। और अगर आप कहते हैं कि हॉनेस्ट मैन, तो एच जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो आपने इसलिए अ लगा दिया। एंड यूनिफॉर्म में यू इज अ वॉवल एंड यू हैव पुट एंड। सो आपके फर्स्ट टू ठीक हैं, लेकिन लास्ट टू ठीक नहीं है। सिमिलरली आप देखते हैं कि यूके के आगे द लगाया जाता है, तो आपने लिख दिया आई लिव इन द यूके। क्योंकि आपने यूके के आगे द लगाया, तो आपने इंडिया के आगे भी द लगा दिया। ये भी रॉन्ग है। तो अब इसमें रॉन्ग क्या है, यही सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अ एन द कहाँ कहाँ लगाना है। ये इसके करेक्ट आंसर्स हैं। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि जीरो आर्टिकल यानी कि कहाँ आर्टिकल नहीं लगाना, वो कॉन्सेप्ट भी आज हम सीखेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज आर्टिकल्स जो है ए एंड द एंड जीरो, कहाँ कहाँ पर इनका यूसेज है। फिर इसके साथ छोटा सा क्विज है जिसमें आपको ए एंड द और जीरो आर्टिकल्स से फिलअप्स फिल करने होंगे। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब कि अनक्लियर है, आइडेंटिटी स्पेसिफिक नहीं है, अननोन है, और ये है A or an. For example, I would like a cup of coffee. Yeah, I want to be an engineer. तो इसमें मैं कोई भी कप ऑफ कॉफी बोल रही हूँ, मुझे चाहिए, मुझे इंजीनियर बनना है। For example, she gifted me a pencil box. उसने मुझे एक पेंसिल बॉक्स दिया, कोई भी पेंसिल बॉक्स हो सकता है। तो इसकी आइडेंटिटी जो है अनक्लियर। Now let us look at definite article जो कि क्लियर है, obvious है, और हमें पता है कि किस बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही है। So when we are talking about that particular thing which is known to us, then we say that it is a definite article. और जो definite article है वो है the. For example, the dog attacked me and ran away. उस dog ने मुझे attack किया और भाग गया. The mouse is under the table. वो mouse table के नीचे है. Now let us look at the rules of articles. हम क्या करते हैं? A और an को singular countable nouns के साथ use करते हैं. Now there is my video on countable and uncountable nouns and the link is in the description below. तो a और an को हम singular countable nouns के साथ use करते हैं. अब हमें difference क्या देखना है कि ना सिर्फ consonants but हमें consonant sounds के बारे में बहुत particular होना है. For example, अब ये bat, ball, girl, ये तीनों कॉन्सोनेंट्स हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स भी निकल कर आ रहे हैं। सिमिलरली एजुकेटेड गर्ल ए साउंड, सो वाल भी है और वाल साउंड भी निकल रहा है। ऑरेंज ओ भी है और वाल साउंड भी निकल रहा है। बट यहाँ देखिए थोड़ा सा ये ट्रिकी आ जाता है। जैसे ही ये आया यूनिकॉर्न, है तो ये वावल लेकिन जो साउंड आ रही है वो य साउंड आ रही है। सो इसलिए हम यहाँ पर अ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है। सिमिलरली आर, नाउ द साउंड इज आ साउंड विच इज अ वावल साउंड बट इट इज स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट। सो हियर वी विल यूज an and not a. तो इसके लिए आप देखेंगे कि pronunciation आना कितना जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इसे आर बोलते हैं या हार बोलते हैं, सो यू विल नॉट बी एबल टू पुट इन द राइट वर्ड। सो नाउ लेट अस लुक एट द आंसर्स एंड द आंसर्स आर अ यूनिकॉर्न, एन आर, अ यूनिक आइडिया, अ यूरो, एन ऑनेस्ट मैन। तो ये तो हो गए हमारे काउंटेबल नाउंस। नाउ व्हाट अबाउट अनकाउंटेबल नाउंस जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, मिल्क, वाटर, एयर, शुगर, इनमें हम क्या पुट करेंगे, क्या आर्टिकल पुट करेंगे? तो ये भी क्या हम कह सकते हैं, प्लीज गिव मी अ वाटर, I've got a money, I need an advice, there is a sugar, no, they're all wrong. So it is clear that we are not going to use articles before uncountable noun. In fact, हम कह सकते हैं please give me some water, या please give me a glass of water, I've got some money, I need a piece of advice, there is some sugar left in the jar. Now let us look at rule number 2 which says कि हम a और an को किसी भी general चीज के साथ use करते हैं और the को किसी specific चीज के साथ use करते हैं. For example, can you give me a pencil? क्या तुम मुझे एक pencil दे सकते हो? कोई भी एक pencil दे सकते हो. तो anything in general. Now if I say please give me the pencil I gave you, तो मैं उसी पेंसिल की बात कर रही हूँ जो मैंने तुम्हें दिया. सो हियर वी आर स्पेसिफिक एंड हियर वी आर नॉट स्पेसिफिक. नाउ लेट अस लुक एट दिस.
लेट्स रीड डैश बुक, लेट्स रीड डैश बुक, ये कॉन्टेक्स्चुअल है दोनों, क्योंकि सेंटेंस में कोई चेंज नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग एंड माई मदर सेज लेट्स रीड अ बुक, तो वो कह रही है कि कोई भी स्टोरी बुक पढ़ते हैं. नाउ इफ शी सेज लेट्स रीड द बुक, नाउ शी मस्ट बी टेलिंग मी समथिंग अबाउट द बुक इन द पास्ट, वो मुझे पास्ट में उस बुक के बारे में बता रही होंगी. इट मीन्स द बुक मतलब दैट बुक, जिस बुक के बारे में बात की जा रही है. ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, आई बॉट डैश एग फ्रॉम द मार्केट, मैंने एग खरीदा मार्केट से, मैंने कोई भी एग खरीद लिया होगा, सो आई राइट आई बॉट an egg from the market. Dash egg I bought was broken. अब इसमें क्या है, जो एग मैंने खरीदा था वो टूटा हुआ निकला, सो आई विल से द एग आई बॉट was broken. So a and an is anything in general and the with specific. Now let us come to rule number 3, which says we use the to generalize a group or a category. For example, the cow is a useful animal. Cow जो है वो पूरी cows को, सारी की सारी cows को represent कर रही है, तो इसलिए वो the cow बन गई है. Another example is the dog is a faithful animal. Dog जो है वो सारे dogs को represent कर रहा है. Similarly, she works for the underprivileged. The elderly require special attention. अब हम quickly देख लेते हैं कि हम द किस किस के पहले लगाएंगे. सो यूज द बिफोर एनवायरमेंट रिलेटेड थिंग्स लाइक रिवर्स, फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द यमुना, माउंटेन्स द हिमालयाज, द एल्प्स, ओशंस द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, देन वाटरफॉल्स कैम्प्टी फॉल्स, देन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ लेक्स, नाउ द ग्रुप ऑफ कंट्रीज. नाउ अब ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर वो हमारा जो क्लैरिफिकेशन लास्ट में आया था कि द यूके क्यों है, क्योंकि वो कुछ कंट्रीज का यूनियन है. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी एक यूनियन है, एक ग्रुप है, इसीलिए उसके आगे द लगता है, अदरवाइज किसी कंट्री के नेम के आगे हम द नहीं लगाते. नाउ नेम्स ऑफ होली बुक्स लाइक द बाइबल, द भगवद गीता, द कुरान, न्यूज़पेपर्स, The Times of India, The Hindustan Times, Musical Instruments. So, I'm playing the piano, the guitar. और कुछ time expressions के साथ भी हम द लगाते हैं, कुछ के साथ हम नहीं लगाते. We'll discuss that. So, the time expressions which are to be used with the are in the morning, in the afternoon, during the night, the winter, the summer, the day after tomorrow, the past, the present, the future, etc. Now, unique things. Unique things मतलब जो one of a kind है. अनोखी चीजें, moon, sky, sun, universe, world. So, we use the before these unique things. Then, common experience. I am at the gym right now. Or, he is on the phone right now. Or, she is at the park. Right? Now, superlative degree of adjectives. कि एक positive होती है, एक comparative होती है, और एक superlative होती है. तो, She is the tallest girl in the class. Mount Everest is the highest peak in the Himalayas. And he is the best football player. Buildings ka example ho sakta hai. The White House. Specific places in the buildings can be the library, the cafeteria, the bookstore, the computer lab. Phir memorials, monuments, parks, the Taj Mahal, the Manhattan. Now the family of people. For example, the Malhotras live next door. The Smiths are our neighbors. Neighbors. Now, zero article, yani ki no article, hum kahan kahan use karenge. Let us look at it. So, zero article is not used with these. Plural indefinite nouns. Indefinite nouns, the nouns which are unknown to us and which are plural. Example, students should study hard. We can also say a student should study hard. So, in both the cases, it is representing the whole students category. Books. Should be fun to read. She wears black shoes. Now, uncountable nouns are also not used with any article like tea, milk, sugar, and many more. Before possessive pronouns also, we don't use any article. Where is the my pencil? No. Where is my pencil? So, no article. Then before abstract nouns like honesty, happiness, creativity, sense of humor, etc. Now, names of persons. We don't use any article, but we are going to do two exception rules ki kahan par hum proper noun ke saath article use karte hain. So, we'll discuss that. Then
name of places like continents, Asia, Africa, countries, India, China, states, New York, Mumbai, cities, Delhi, streets, 7th Street, school ka naam, college ka naam, university, church, in mein se kisi ke bhi aage article nahi lagate. Now, singular lakes, single mountains and single islands. Now, in the we discuss that agar group of lakes hai, ya group of mountains hai, ya group of islands hai, tab hum the lagayenge. But if it is a singular lake or single mountains or single island, we won't use any article. There are sometime expressions with which we don't use any article, and they are at night, at noon, every week, every day, last morning, last week, all night, and so on. You can take a screenshot and save it for yourself. And now we'll discuss the exception rules with proper nouns. So rule number one is, when a proper noun is unknown, we use a or an before it. Hum nahi jante us vyakti ko. We don't know that person. Then we can use a or an before that proper noun. For example, a Rahul is there to meet you, meaning koi Rahul tumse milne aaya. Now, since we don't know who that Rahul is, we have used a before it. She drives a Honda City. Honda City is the name of a car. Ek Honda City chala, it's unknown to us. Now, rule number two is, when we compare two proper nouns, we use the before one of them. Jab koi do proper nouns compare kar rahe hote hain, tab hum ek ke aage the lagate hain. For example, Kashmir is the Switzerland of India. Kashmir ko India ka Switzerland kaha jata hai. To Kashmir jo hai ek proper noun hai, Switzerland proper noun hai. Lekin jab hum compare kar rahe hain dono ko, tab humne the laga diya. Similarly, Kalidas is the Shakespeare of India. Now, when we also use it for quoting a famous personality, for example, he is the Amitabh Bachchan, then also we say, we use the. A quiz. So you have to fill in the blanks with a and the or zero article. What I would want you to do is pause karo video ko and then fill in the blanks with correct articles. Don't rush, and then I'll play the answers for you. Now, here are the answers. There is still any confusion, koi clarification, so you can always let me know in the comment box and I'll be happy to answer. That's all for today. If you like this video, do give it a thumbs up and subscribe to My English for more of such content. Bye for now. Take care.